हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक वूलर के बारे में। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेडरिक वूलर का जन्म सन 1800 में फ्रैंकफर्ट के करीब एशर सीम में हुआ और इनकी मृत्यु 1882 में हुई। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लियोपोल्ड कैमेलिन और बर्जीलियस इनके मुख्य शिक्षकों में से थे। फ्रेडरिक वूलर ने अपने स्टूडेंट लाइफ में ही साइनोजेन आयोडाइड हासिल कर लिया और फेरोह के सांप की अनोखी क्रिया को मर्क्यूरिक थायोसाइनाइड जलाकर प्रस्तुत किया। सन 1827 में उन्होंने एक महान रासायनिक कामयाबी हासिल की, जिसको हासिल करने में हम्फ्री डेवी जैसे महान वैज्ञानिक नाकामयाब हो चुके थे। ये कामयाबी थी एल्युमिनियम धातु को पोटेशियम और एल्युमिनियम क्लोराइड के रिएक्शन से हासिल करना। इसके बाद उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया के क्रिस्टल प्राप्त किए। यूरिया पहले यूरिन से प्राप्त होने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऐसे कंपाउंड के बारे में महान रसायन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने कहा कि ये कुदरती तौर पर बनने वाला कंपाउंड है जिन्हें लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उन्हीं के स्टूडेंट वूलर ने ऐसे ही एक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाकर सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत की। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे हड्डियों की राख से फॉस्फोरस और कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन को प्राप्त करना। इसके अलावा उन्होंने रसायन शास्त्र के कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपना शोध किया और वैज्ञानिक जगत में हमेशा के लिए अपनी अमीर छाप छोड़कर चले गए, जिसके लिए दुनिया हमेशा उनकी आभारी रहेगी। आपको हमारी मेहनत और कोशिश अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।